गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि मैं ये किचन वेस्ट मैं ऐसे इकट्ठा करके रखती हूँ, तो ये किचन वेस्ट को मैं कहाँ कहाँ दबाती हूँ, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से आप भी कर सकते हैं और बहुत आसानी से किचन से कंपोस्ट आप बना सकते हैं। तो मैंने अपनी क्यारी में दबा रखा है बहुत सारा किचन वेस्ट। ये है मेरी बाहर की आउटडोर जो गार्डन है उसमें क्यारी। तो ये देखिए, ये मैंने अभी जल्दी में ही दबाया है, तो अभी इसको 2-3 दिन ही हुआ है। तो इस तरह से मैं कुछ मैंने पहले दबाया था तो वो गल चुका है, और जो मैंने अभी बाद में किया है वो अभी गला नहीं है। तो मैं इस तरह से गड्ढा खोद के इसको दबाती रहती हूँ, तो इससे बहुत जल्दी आपकी कंपोस्ट तैयार होती है। और आप चाहें तो इसको निकाल लें, जब बिल्कुल अच्छे से ये गल जाए तो आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी दे सकते हैं और डायरेक्ट खाद भी दे सकते हैं। बहुत प्लांट्स के लिए तो बहुत ही यूज़फुल है ये, तो इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। और भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं एक नया गड्ढा खोदने वाली हूँ, पहले मैं इसी को दबा देती हूँ। मैं जगह जगह ऐसे गड्ढा खोद के दबाती रहती हूँ, जिससे कि मुझे क्यारी में कभी खाद डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये है मेरा किचन वेस्ट। मैं इसको अच्छे से मिट्टी से ढक दूंगी, थोड़ा बहुत ऊपर भी रह जाएगा तो कोई बात नहीं, जैसे ही ये थोड़ा सा गलेगा तो ये दबना शुरू हो जाता है। तो फिर इसके बाद आप फिर से इसको दोबारा से अच्छे से ढक दीजिए, तो आपकी कंपोस्टिंग तैयार होती रहती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने और कहाँ कहाँ किचन कंपोस्ट दबा रखी है, तो चलिए मेरे साथ। तो अब मैं आई हूँ पार्क में। पार्क में भी मैंने जगह जगह किचन वेस्ट दबा रखा है। कुछ तो बिल्कुल जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो मिट्टी में ही कन्वर्ट हो जाता है और कंपोस्ट रह ही नहीं जाता, बिल्कुल मिट्टी हो जाता है। यहाँ भी मैंने दबाया था पर ज़्यादा टाइम हो जाने की वजह से फिर ये पूरा मिट्टी ही बन जाता है। तो बाकी बचा मैं यहाँ दवाई दे रही हूँ। तो इससे जो हमारे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, आपको कुछ खाद लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना अच्छा सॉइल हमारा तैयार हो जाता है। आप यहाँ की सॉइल भी पॉट में भरेंगे ना तो प्लांट्स बहुत अच्छे चलेंगे। तो मैं ऐसा करती रहती हूँ, जगह जगह गड्ढा खोद के किचन वेस्ट दबाती रहती हूँ। तो इस तरह से आप भी करिए और बहुत स्पीड में कंपोस्टिंग होगी। मुझे सबसे ये आसान तरीका लगा कंपोस्ट बनाने का किचन वेस्ट से। तो मैं एक जगह और दिखाती हूँ आपको, आवाज़ आपको परेशान करेगी, जो मैंने किचन वेस्ट दबा रखा है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने किचन दबाया है, जो खरबूजे के वो बीज भी थे तो सारे खरबूजे के बीज उगाएँ। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए अब काफ़ी गल गया है,
इसको बस थोड़े दिन बाद मैं इसे पॉट में भर लूँगी। ये देखिए पूरी मेरी कंपोस्टिंग अच्छे से तैयार हो गई है। ये देखिए पूरा, तो यहाँ से मैं अपने पॉट के लिए मिट्टी भर लूँगी। तो इस तरह से मैं कंपोस्टिंग करती रहती हूँ जगह जगह, और चाय की पत्ती की भी मैं कंपोस्टिंग करती हूँ। ये मैंने चाय की पत्ती की कंपोस्टिंग यहाँ पे की है। देखिए यहाँ भी मैंने कंपोस्ट, यहाँ मेरी तैयार हो गई है ब्लैक ब्लैक। यहाँ भी मैंने चाय की पत्ती और किचन वेस्ट दबा रखा है। तो इस तरह से आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट बना सकते हैं। बहुत आसान है ये तरीका, सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। पॉट के साइड में आप दबा के भी, बड़े बड़े ग्रो बैग्स हैं आप उनके साइड में दबा के मिट्टी से ढक दीजिए, बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है। तो ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है, तो आप भी ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं।